आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सामान्यतः मातृत्व अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है, सदैव पैतृक पूर्वज से आते हैं। ऑप्शन सी है, केंद्रीय जीनों की तरह बाई पेरेंटल अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है, अनुवांशिक नहीं होते। तो यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, तो लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन के बारे में पूछा गया है, तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है यह क्या होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जो है द्विसूत्री, तो लिख लेते हैं यह द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए होता है। तो लिख लेते हैं द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए है, और इसी डीएनए होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया के पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होने के कारण, उपस्थिति के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकाओं जो है कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन्स की अनुवांशिकता के बारे में पूछा गया है, तो ये जीन्स जो है ये अनुवांशिक होते हैं। तो लिख लेते हैं ये क्या है, ये अनुवांशिक होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो यदि हम बात करें युग्मनज की, तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन से ही युग्मनज का निर्माण होता है। तो लिख लेते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक जो है, मादा युग्मक के संलयन से ही, तो यहाँ लिखेंगे इनके संलयन से ही क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो लिख लेते हैं युग्मनज का निर्माण होता है। तो यदि हम बात करें नर युग्मक की, तो नर युग्मक के पास कोशिका द्रव्य नहीं होता है, यह केवल क्या देता है, यह केवल गुणसूत्र जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ जो है यह युग्मनज में प्रदान करता है। तो लिख लेते हैं केवल, तो लिखेंगे केवल अनुवांशिक पदार्थ जो है, अनुवांशिक पदार्थ प्रदान करता है। तो लिखेंगे केवल अनुवांशिक पदार्थ जो है, पदार्थ प्रदान करता है नर युग्मक, और जबकि मादा जो है यह अनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ कोशिका द्रव्य जो है यह भी प्रदान करता है। तो लिख लेते हैं मादा युग्मक जो है यह कोशिका द्रव्य तथा यह अनुवांशिक पदार्थ, या फिर जिसे हम कहते हैं डीएनए प्रदान करता है। तो लिख लेंगे अनुवांशिक पदार्थ प्रदान करता है। तो लिख लेते हैं प्रदान करता है। अब यदि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की जाए, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है यह कोशिका द्रव्य के द्वारा अनुवांशिक होता है। तो लिख लेते हैं कोशिका द्रव्य के द्वारा अनुवांशिक होता है या वंशागत होता है। तो लिख लेते हैं द्वारा अनुवांशिक होता है, तो यहाँ लिखेंगे अनुवांशिक होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम होता है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं मादा युग्मक जो है यही कोशिका द्रव्य प्रदान कर रही है, नर युग्मक जो है इसके पास केवल और केवल अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो मादा युग्मक जो है यह कोशिका द्रव्य प्रदान करती है युग्मनज में, और इसी के साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है मादा युग्मक से ही प्राप्त होती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर पाए जाने वाले जीन्स हैं, ये मातृत्व अनुवांशिकता जो है प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये मादा युग्मक से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, सामान्यतः मातृत्व अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन बी दिया गया है, सदैव पैतृक पूर्वज से आते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, ये पिता से नहीं आते हैं। पिता जो है जो कि नर है, नर युग्मक जो है यह केवल और केवल अनुवांशिक पदार्थ प्रदान करता है, यह कोशिका द्रव्य प्रदान नहीं करता है युग्मनज में, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है, केंद्रीय जीनों की तरह बाई पेरेंटल अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, बाई पेरेंटल नहीं होता है, यह केवल यूनिपेरेंटल होता है, केवल मादा
युग्मक से ही कोशिका द्रव्य जो है यह है युग्मनज में आता है, तो यह मातृत्व अनुवांशिकता प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत उत्तर है। ऑप्शन डी दिया गया है अनुवांशिक नहीं होते, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। अनुवांशिक होते हैं ये माता युग्मक के द्वारा अनुवांशिक होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।